नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं सीएसआईआर नेट जीआरएफ मैथमेटिकल साइंस पे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और ये तैयारी है 2023 और 24 के लिए, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उन्हें पहले ही मेंशन कर दिया है। पहली चीज़ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके की बातें करनी है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, हमें आज जो सीखना है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखना है हमें? आर्ग्यूमेंट, या फिर जिसी को हम क्या बुलाते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इतना ही नहीं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि सर आर्ग्यूमेंट में एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, एक होता है लीस्ट वैल्यू और एक होता है जनरल वैल्यू, तो कौन सी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ एंड विद डेफिनेशंस के साथ। सबसे पहले सर, जैसा हमारा एक टॉपिक चल रहा था कि आप पहले क्वेश्चन कराते थे, तो बिल्कुल हम पहले क्वेश्चन सामने रखेंगे आपके। ये देखिए, पहले आप टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट या उसी को हम क्या बुलाते हैं, एम्पलीट्यूड, क्वाड्रेंट सिस्टम फॉर फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगला है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, लीस्ट वैल्यू क्या होती है, और जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे निकाली जाती है थीटा के लिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट फिर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके सामने मैंने एक पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड आर्ग्यूमेंट 1+i√3+i√3 2√2। हमें इस चीज का आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट से पहले हमें जो समझना होगा वो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, जल्दी जल्दी सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर, जिसको मैं एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिख सकता हूं, ठीक। आपको याद होगा हमने बात करी थी कि मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकता हूं, एक्स कॉमा वाई, और क्योंकि मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकता हूं, तो हमने बात करी थी यदि ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जा सकते हैं तो इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन इनका किस में किया जा सकता है, ग्राफ में। लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी नॉर्मल ग्राफ पेपर में नहीं होता है। उस ग्राफ पेपर का नाम हमने क्या कहा था, याद होगा आपको, हमने कहा था एर्गेंट प्लेन। क्या कहा था इसको, एर्गेंट प्लेन, या फिर हम इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये बात आपको याद आ रही होगी, ठीक। या फिर इसे आप गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। सौ बात की एक बात, बिल्कुल हमारे टू डायमेंशन ज्योमेट्री की तरह काम करता था, याद होगा, ठीक। अब ये किस तरीके से, याद होगा आपको कि ये वाली जो एक्सिस होती थी इसे हम लोग बुलाते थे रियल एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस होती थी बेटा इसे हम बुलाते थे इमेजिनरी एक्सिस। यदि आपने ये नहीं सीखा तो समझ जाइए आर्गुमेंट आपको कभी समझ नहीं आएगा, ठीक। तो अब देखिए, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। चलिए, आज थोड़ा गला खराब है। कल को यदि मैं आपसे इसमें एक बात पूछूं, आपको इतना तो पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बेटा, रियल एक्सिस में कोई पॉइंट है, सपोज मान लीजिए ये 1 है और ये मेरा अगला पॉइंट क्या है 2, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा 2,0, है ना। मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 2,0, और यदि ये 2,0 है तो आप ये समझ गए होंगे इसका मतलब है कि सर जेड बराबर हम इसको क्या लिखते थे, 2+0 आयोटा। क्या बात आपको याद आ रही होगी। अगली चीज़, यदि मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि कोई नंबर सपोज यहाँ पे है ना, ये -1 ले लीजिए, ये मैंने क्या ले लिया, -2 यदि है तो बताइए -2 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 0,-2, और ये मेरे लिए अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं कैसे लिखूंगा 0-2 आयोटा। क्या ये बात सबको याद है। सर ये तो हमें आता है, हमें आज सीखना क्या, हमें जो आज सीखना है बेटा वो ये है कि जिस दिन मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ये बता दीजिए इस पॉइंट का एंगल इस रियल एक्सिस के साथ कितना है, तो हम उस एंगल को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। अभी मैं आर्गुमेंट पे और बात करूंगा, परेशान मत होइए। तो यदि मैं आपसे बोलूँ बताइए इस आर्गुमेंट जेड का यानी कि आर्गुमेंट ऑफ 2 कितना होगा, तो मैं कितना बोलूंगा बेटा, 0 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ यानी कि रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। कल को लेकिन यदि मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसका आर्गुमेंट है ना, इस वाले जेड का आर्गुमेंट यानी कि आर्गुमेंट ऑफ -2 मुझे बता दीजिए, -2 आयोटा बता दीजिए, तो बेटा मैं यहाँ पे बोलूंगा -π/2 या फिर जिसको हम -90 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि याद होगा कि ये
इधर पाई बाई टू होता है और इधर माइनस का पाई बाई टू होता है। कहती बात याद आ रही, पर लेकिन कईयों को यहीं पे डाउट आ गई होगी कि नहीं सर, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हमें बताया गया था ये ज़ीरो था सर, ये 90 जिसको मैं पाई बाई टू बोलता हूँ सर, ये मेरे लिए पाई हो जाता है यानी कि 180 सर, ये मेरे लिए 2 पाई बाई है ना, इस तरीके से बढ़ता जाता है, ये कितना हो जाता है 3 पाई बाई टू, कितना हो जाता है 3 पाई बाई टू, फिर सर यहाँ पे आ जाता है 2 पाई। तो इतना आपको याद आ रहा होगा सर कि जिसको आप माइनस पाई बाई टू बोल रहे हो एक्चुअली में तो 3 पाई बाई टू है यानी कि 270 डिग्री है सर, है ना। तो बेटा मैं बोलूँगा नहीं, जब हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो 270 डिग्री बोलना वहाँ पे गलत होगा सर। क्यों? तो यही तो हमें सीखना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में सर। मतलब ये बेटा कि यहाँ पे एंगल जो चलेगा यानी कि जो थीटा चलेगा वो थीटा चलेगा माइनस पाई से पाई के बीच में, यहाँ पे जो एंगल लिया जाएगा वो कहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पे जो कहानी चलती है वो माइनस पाई से पाई के बीच में चलती है, माइनस पाई से पाई के बीच में सर। कैसे? अब सुनिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, एक छोटा सा डायग्राम से समझिए। माइनस पाई से पाई पे यहाँ पे इसलिए चलता है बेटा क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लिया गया है वो लिया गया है इन फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन मतलब समझते हैं ना, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की खासियत है बेटा कि वो सिर्फ 180 डिग्री तक चल सकती है, उससे ज़्यादा कभी वो चल नहीं सकती। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपके लिए कलर चेंज करके, देखिए सपोज ये मेरी रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस के ऊपर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, तो अभी इसका एंगल थीटा कितना है एक्स एक्सिस के साथ? जीरो। मैं अब इसको रोटेट करता जा रहा हूँ तो यहाँ से रोटेट होगी बेटा, ठीक, यहाँ से रोटेट होगी, समझ में आ रहा है ना। इसको ओरिजिन के ऊपर ही रखा है, मैं जानबूझ के अलग से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लाइन कैसे खेल रही। अब मैं जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल नापूंगा, सपोज मान लीजिए एंगल कितना बेटा 30 डिग्री, मैं इस लाइन को और घुमाऊंगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। अब मान लीजिए इसका कितना एंगल है, सपोज मैंने बोल दिया कितना 45 डिग्री, अब ये एंगल यहाँ पे आएगा बिल्कुल वाई एक्सिस के साथ में, तो अब आप बोलेंगे सर इसका अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री, है ना। और ज़्यादा जब रोटेट करूँगा तो ये कुछ ऐसा यानी कि अब एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है मान लीजिए कितना 120 डिग्री, और मैं यदि थोड़ा सा और रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से तो अब मान लीजिए कितना है, मैंने बोल दिया मान लीजिए 170 डिग्री, है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको और इसके ऊपर रखूंगा, ठीक, कौन सी एक्सिस के ऊपर, जैसे ही मैं इसको इस एक्स एक्सिस के ऊपर वापस से लाऊंगा, ये घुमा घुमा के जो मैंने टर्न कराता गया, तो टर्न कराने के बाद जो ये पूरा टर्न होगा तो अब इसका एंगल बेटा 180 से पहले, 180 होने से पहले वापस क्या हो चुका है, 0 डिग्री हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? 0। सर अभी और तो घुमा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो आप लोग बोलेंगे अब ऐसे घुमा दीजिए। तो अब ये बताइए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्यों नापूंगा, मुझे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल नापना सिखाया गया है, तो मैं इतना बड़ा एंगल क्यों नापूंगा जब मुझे दिख रहा है कि वो एंगल तो यहीं पर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सर अब जैसे ही 180 से मैं नीचे गया तो 180 के बाद मुझे वहाँ पे वापस से 30 डिग्री मिल रहा है, मैं क्यों उसको घुमा के 180 प्लस 30 करूँगा जब मुझे दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा कि जीरो से लेके ये कितना एंगल है बेटा, जीरो से लेके कितना एंगल गया पाई, जीरो से लेके कितना एंगल गया पाई। लेकिन ये जो भी डायरेक्शन था बेटा ये घड़ी की उल्टी दिशा में था, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सेम वे में यदि आप देखना चाहते हो, सेम वे में यहाँ पे यदि कोई मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक, ये मैंने लाइन ली, तो अब मैं क्या एंगल ऐसे नाप सकता हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है। तो सर अब जो एंगल ले रहे हो अभी भी यहाँ पे कौन सा एंगल है? जीरो। लेकिन जब मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ तो आपको ये बात याद होगी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है बेटा। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो थीटा होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो थीटा होता है वो नेगेटिव। आपको याद दिला दे रहा हूँ मैं कि जब हम किसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते हैं एंगल तो पॉजिटिव थीटा होता है, और जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस थीटा लेते हैं। कहती बात समझ आई? अब जैसे जैसे मैं इसको लाइन को घुमाता जाऊँगा तो जीरो से लेके ये उल्टी दिशा में जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? माइनस का पाई बोला जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सर ऊपर से जीरो टू पाई चलती है लाइन, ऊपर से यदि जाएंगे यानी कि कौन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जीरो टू पाई, और यदि नीचे से घुमाएंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जीरो टू माइनस पाई।
इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया बेटा, इन दोनों को क्या कर दिया गया, कंबाइंड, तो उसको बोला गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एंगल लिए जाते हैं वो माइनस पाई से कहाँ पे होते हैं, पाई के बीच के होते हैं। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई थी, क्या इतनी बात समझ में आई? तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कई तरह के हैं। यहाँ पे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे भी बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, ठीक। लेकिन आपको आज जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना था वो आर्गुमेंट के तहत सीखना था कि आर्गुमेंट में हम क्यों सारे के सारे एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल किस फॉर्म में लिए गए हैं, लाइन के फॉर्म में। और एक लाइन है, यदि इस तरीके से मैं जैसे जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लूंगा एंगल, तो एंगल लेते लेते एक समय ऐसा आएगा कि ये सीधे वापस से कहाँ पे आ जाएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, और वो पाई होने से पहले क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। क्योंकि जब दोबारा मैं यहां पे कोई लाइन लूंगा तो मैं जाहिर सी बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लूंगा, मैं क्यों पूरा घुमा के इतना बड़ा एंगल लूंगा, क्या इतनी बात समझ में आई? इसलिए यहां पे जो भी कहानी चलती है वो माइनस पाई से पाई पे चलती है, और माइनस पाई से पाई को भी दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, पहले जीरो टू पाई यानी कि कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर जीरो टू माइनस पाई कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे जो थीटा चलता है वो लाइन के फॉर्म में चलता है, और लाइन कहाँ से कहाँ एंगल कवर करती है, माइनस पाई से पाई पे कवर करती है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो भी थीटा रहेगा वो इस तरीके से काम करता है, क्या इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला टॉपिक, आज गला काफी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट की। किसकी डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट? कई बुकों में इसको बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। कौन सा आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट नाम से भी बुलाया जाता है, या तो आर्गुमेंट बोल लो या तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट के अलावा इसका एक और नाम है एम्पलीट्यूड। क्या बुलाया जाता है बेटा? एम्पलीट्यूड, ठीक। सर ये होता क्या है? चलिए तो सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ ये होता क्या है। तो देखिए भैया, मान लो पहले मैं बताई देता हूँ क्या होता है, इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। ये आप अच्छे से जानते हैं आर्गेंट प्लेन है, ठीक। अच्छा हो सकता है किसी ने आपको बताया हो, आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक ए पोजिशन वैक्टर। किसकी तरह बिहेव करता है? पोजीशन वेक्टर की तरह बिहेव करता है। अब यदि वेक्टर है तो दो चीजें होनी चाहिए, क्या सर? यदि वेक्टर है तो दो चीजें होनी चाहिए, एक हम जिसको बचपन से सुनते आ रहे हैं मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। कहती बात समझ में आई? और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मेरा कोई पॉइंट है, हाँ। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया, पी, और मैं जानता हूँ ये जो पी है एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जिसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आई वाई। होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर है, ठीक। और ये आपकी कौन सी एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? रियल एक्सिस है, ये भी दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैं इस पॉइंट को यहाँ पे, ये जो मेरा पॉइंट है, इसको मैं जोड़ूंगा ओरिजन से, ठीक। ओरिजन का मेरा ये मैंने नाम क्या रख दिया, ओ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जीरो कॉमा जो, ये प्योरली लिया, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक। ये मेरा एक पोजीशन वेक्टर बेटा, क्या है? मेरा एक पोजीशन वेक्टर है, याद रखना। और ये एंगल कहाँ से कहाँ कवर करेगा? सिर्फ माइनस पाई से पाई के बीच में कवर करेगा, याद रखना, जीरो टू पाई या फिर जीरो टू माइनस पाई। बात समझ में आई? जीरो टू पाई या फिर जीरो टू माइनस पाई, यानी कि माइनस पाई से पाई के बीच में एंगल कवर करता है, कभी भी पूरा पाई के आगे एंगल इसमें कवर नहीं करेगा, 270 डिग्री जैसा इसमें कुछ भी होता नहीं है, ठीक। वो जो होता है वो बेटा लीस्ट वैल्यू में होता है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब देखो, यदि ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर में दो चीज़ें होती है बेटा, एक मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो मॉड जेड रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ। और लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? मॉड जेड से। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, जिस दिन सपोज मैं आपको बोलूं कि भैया जो मेरा मॉड जेड है उसकी वैल्यू कितनी है, तो यानी कि आप ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? दो दूरी पे है, हाँ ना। तो दो दूरी पे तो बेटा इनफाइनाइट पॉइंट है, दो दूरी पे तो बेटा इनफाइनाइट पॉइंट है। इन सबकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? टू है। इन सबकी डिस्टेंस कितनी है? टू।
तो क्या मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? यानी कि अभी डेफिनेशन अधूरी है सर, मुझे इस पॉइंट को यदि लोकेट करना है तो मुझे एक चीज और चाहिए और वो होता है थीटा। वो क्या होता है? थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते समय इसे थीटा बुलाया नहीं जाता, इसे थीटा की बजाय हम क्या बुलाते हैं, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको हमने नाम दिया एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। कहती बात समझ में आई? इसको हमने नाम दिया या तो एम्पलीट्यूड बुला लो या तो क्या बुला लो इसको, आर्ग्यूमेंट। हमने थीटा को बदल के इसका नाम रख दिया एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। अब वो कैसे निकाला जाता है? क्या आपको ये पता है कि ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा x है, और यहाँ से लेके y एक्सिस में जो कवर किया इसने डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है? y। और बचपन से हमें बात पता है कि थीटा हमें किसी भी लाइन का क्या बताता है? स्लोप। थीटा यानी कि इंक्लिनेशन हमें क्या बताता है? स्लोप बताता है। और स्लोप निकालने के लिए हम जब से एक फॉर्मूला यूज करते जा रहे हैं वो क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा होता है कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां पे यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा वाई, और नीचे बेस हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स। कितनी बात समझ में आई? तो यदि tan थीटा बराबर y बाय एक्स है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाय एक्स। जानबूझ के मॉड लिया है, फिर मॉड से ही हमें सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक, तो इस थीटा को ही एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इस थीटा को ही क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ये थीटा आपको बताता है इस पॉइंट की लोकेशन। थीटा और मॉड जेड ये दोनों मिलके ही आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक, इन दोनों के बिना आप किसी पॉइंट को फिक्स कर नहीं पाओगे। ठीक, इसलिए आर्गुमेंट सीखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बुलाया जाता है, एम्पलीट्यूड भी बुलाया जाता है। अब सुनिए इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन, ठीक, द एंगल थीटा, द एंगल थीटा विच OP makes with positive x-axis in anti-clockwise sense is called argument or amplitude of complex number z। ठीक, इसे कहा जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर z। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरीके से स्मॉल a r g लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या फिर इसे कैसे लिखा जाता है, ये आर्ग्यूमेंट है, या फिर ए एम पी ऑफ जेड ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल ए नहीं लिखा जाता है यहाँ पे जब ऐसे लिखा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। ठीक, ये होती है डेफिनेशन, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से कि किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ से यहाँ डिफाइन होता है। ठीक, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है, ठीक, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है, इसी आर्ग्यूमेंट को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बुलाया जाता है। वो कब बुलाया जाता है? जब जो थीटा रहता है आपको अच्छे से पता है वो कहाँ से कहाँ होता है, माइनस पाई से पाई पे। ठीक, ये वैल्यू जब तक आप रखोगे तब तक आप उसे क्या बुलाओगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट बुलाओगे। अच्छा, अब यहां से एक बात और दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत? ये जो मॉड लगा है, तो सुनना, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने की जरा कोशिश कर रहा हूँ। क्या सर? कि सपोज है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, होप सो यहाँ पे दिख रहा होगा। टेक्निकल टीम से पूछते हैं, टेक्निकल टीम क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वाली सी? चलिए देखिए, यदि ऐसा है, मैं आपको सपोज मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कहा, ठीक, और जेड मैंने लिख दिया बेटा कितना? 2 + 3 iota। तो दुनिया वाले इसको बोलेंगे यानी कि ये कितना है? 2, 3 है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z और दे रहा हूँ, मैंने बोला -2 माइनस का 3 iota। और यदि इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये -2, -3 है ना, कोऑर्डिनेट के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो खुद ही सोचना, जिस दिन मैं इनका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा, जब मैं पहले वाले का आर्ग्यूमेंट z निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर इसका आर्ग्यूमेंट z कैसा निकलेगा? थीटा बराबर tan इनवर्स
मॉड के अंदर 2/3, ठीक, यानी कि सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टेन इनवर्स 2/3 लिख सकता हूँ। और सर जैसे ही अगले वाले की बात करेंगे, सेकंड वाले के लिए आर्गुमेंट z जब निकालेंगे तो थीटा बराबर मेरे लिए यहाँ पे निकलेगा टेन इनवर्स -2 -3 मॉड के अंदर, हाँ है ना, और मॉड तो सर उसे पॉजिटिव कर देगा तो टेन इनवर्स कितना बेटा 2/3 हो जाएगा, हाँ है ना। ये तो सर दोनों सेम आ गए, जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे खुद ही सोचो ना, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, ठीक, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं x, y, और ये x और y दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, -x और -y, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कोई एक एंगल इधर बना रहा है, ठीक, और कोई एक एंगल पूरा यदि यहाँ पे लूँ तो वो कहीं, अरे सॉरी, ठीक, देखिए इसको इधर कर दे रहे हैं, ये क्लिक हो जाता है कई बार। अब देखिएगा, ठीक, यदि मैं इसको बात करूं, एक दूसरा कलर ले लें, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, हाँ है ना, और दूसरा एंगल यहाँ पे कोई पॉइंट है और आप उसको इस एक्सिस के साथ ले रहे हो, तो क्या ये बताओ ये वाला एंगल बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। और लेकिन जब हमने मॉड ले लिया है तो मॉड से तो गड़बड़ क्या हो रही है कि सर दोनों ही एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला एंगल किस एंगल के इक्वल आने लग गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल के इक्वल आने लग गया, ये तो गड़बड़ हो रहा है। इसी को देखते हुए हमने कौन सा सिस्टम बनाया, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया। तो अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है, क्वाड्रेंट सिस्टम फॉर फाइंडिंग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का कई लोग वेट कर रहे होंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, तो मेरे ख्याल से सबको इतना पता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा समझाऊँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक, डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हमें अच्छे से पता सर ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। मैं अभी किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो खुद ही सोचना, ये कोई मेरा पोजीशन वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल लेता हूँ, ठीक, तो जाहिर सी बात है मेरा कौन सा आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। इसमें मुझे कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे जो मुझे थीटा मिलने वाला है ये 0 से π/2 के बीच में है, हाँ ना, तो जो मेरा थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ रहेगी, वो 0 से π/2 के बीच में रहेगी, जहाँ पे थीटा का मतलब आपको अच्छे से पता है कितना है, टेन इनवर्स मॉड के अंदर y/x। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगली चीज़, यदि मैं बात कर रहा हूँ कौन से क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, याद रखना ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एरो लिया है कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे आता हूँ, खुद ही सोचिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आऊँगा तो इधर आएगा, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो यदि मैं पहले छोटकू वाला एंगल ले लूँ तो छोटकू एंगल यहाँ पे आएगा, ये मेरा थीटा है, हाँ है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कौन सा एंगल लेते हैं, माइनस का थीटा लेते हैं, इस बात का ध्यान होगा आपको, ठीक। जब क्लॉकवाइज में एंगल लिया जाता है तो कौन सा डायरेक्शन रहता है, माइनस का थीटा रहता है। लेकिन सर हमें तो जो आर्गुमेंट निकालना होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकालना होता है सर, हाँ है ना, तो सर ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इधर से तो माइनस थीटा है, लेकिन यदि मैं इधर से जाऊंगा तो खुद ही सोचना ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर कितना, पाई, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, पाई, पाई में से छुटकू वाला एंगल घटा दूं, पाई में से छुटकू वाला एंगल घटा दूं, यदि मैं कुछ देर के लिए इसको सिर्फ थीटा ले रहा हूं तो पाई में से कितना माइनस कर दूं, पाई में से उस थीटा को माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ का आर्गुमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले जितने भी एंगल हैं, और समझ गए होगे माइनस थीटा क्यों लिखा हुआ है, माइनस थीटा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी बार समझ में आ गई, इसलिए माइनस थीटा होता है। अच्छा यदि ऐसा है फिर भी यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल निकालने थे तो मैं पूरे टोटल में से उस छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल जाएगा, यहाँ तक का बात समझ में आई। जब मैं पूरे पाई में से ये छोटकू एंगल माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल पता चल जाएगा, हाँ है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई। क्योंकि यदि ये छोटा वाला एंगल लूंगा तो हो सकता है ये माइनस का 30 हो, माइनस का 45 हो, लेकिन मुझे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स डैश बुलाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये होती है, इसलिए पूरे टोटल में से छोटा एंगल क्या कर देते हैं हम, माइनस, और माइनस का थीटा यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा जो मेरा थीटा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है,
कि पाई बाय टू से जब बड़ा होता है थीटा, पाई बाय टू से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होता है, पाई से छोटा होता है, हाँ है ना, पाई या पाई से छोटा होता है, तब मेरा ये सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे जो मेरा थीटा रहेगा, यहाँ पे जो मेरा थीटा रहेगा, वो थीटा मैं कैसे बताता हूँ, वो मेरा थीटा रहता है कि मैं पाई में से क्या माइनस कर देता हूँ, थीटा माइनस कर देता हूँ, यानी कि पाई माइनस, और थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। कितनी बात समझ में आई, सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला कोई भी थीटा सिर्फ थीटा नहीं होगा, वो एक्चुअली में क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। जब मैं बात करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट की, अब तुम जानते हो सर लाइन से बात आगे जा चुकी है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ लेने का कोई फायदा नहीं है। तो सर अब आप कौन सा एक्सिस से लोगे, पॉजिटिव एक्सिस से लूंगा, लेकिन इस बार कौन से डायरेक्शन में लूंगा, इस वाले डायरेक्शन में लूंगा, क्योंकि अभी तक मैं इधर वाले डायरेक्शन में ले सकता था, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। यहां पर कौन से डायरेक्शन में लेना पड़ेगा मुझे, क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूंगा, तो खुद ही सोचना, जब क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ये ऐसे ऐसे आते जाते आते जाते, तो ये एंगल क्या कहलाता है, माइनस पाई, ये एंगल क्या कहलाता है, माइनस पाई, और ये वाला एंगल क्या कहलाता है, माइनस का पाई बाय टू। उधर से सारे पॉजिटिव काउंट होते हैं तो इधर से सारे नेगेटिव काउंट होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमेशा एंगल तो नापा जाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो पहले छोटकू एंगल नापूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में नापूंगा, तो सर ये तो जब इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव थीटा ही आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो थीटा यहाँ पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सुनना, लेकिन मुझे पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये एंगल चाहिए, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, और इस एंगल को निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बेटा इस बार क्योंकि जीरो से माइनस पाई आ रहे हो, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, क्योंकि अब ये जीरो से माइनस पाई जा रहा है, तो इस बार पाई के आगे क्या साइन लग जाएगा, माइनस, पाई के आगे क्या साइन लग जाएगा, माइनस, और ये थीटा उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, यानी कि माइनस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कितनी बात समझ में आई, खुद ही सोच लीजिएगा, पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ थीटा लिया जाता है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, दूसरे क्वाड्रेंट में टोटल पाई, टोटल, मेरे को एक बार शब्द बदलना है, टोटल पॉजिटिव पाई में से थीटा को हटा दिया जाता है, ठीक, और इसमें टोटल नेगेटिव पाई में थीटा को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसको जोड़ने से क्या होगा, अरे खुद ही सोचो ना, यहां से यहां जब जीरो से माइनस पाई में जा रहे हो, जीरो से माइनस पाई की ओर जा रहे हो, लेकिन माइनस पाई आने से पहले ही थीटा ने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, थीटा ने उसको स्टॉप कर दिया, दिख रहा होगा दोनों एरो आपस में टकरा रहे हैं, माइनस पाई पहुंचने ही वाला था लेकिन थीटा ने पहले उसको ऐसे करके धक्का दे दिया, तो माइनस पाई में जा रहा था लेकिन थीटा ने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अगले ही पल में जब बात करता हूँ कौन से क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा यहाँ पे होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा थीटा था वो कहाँ से कहाँ चल रहा था, वो माइनस पाई से पाई बाय टू तक चल रहा था, इतनी बात तो पता है। और यदि इतनी बात पता है तो माइनस पाई प्लस थीटा लिखेंगे, और साथ में और कैसे लिखते हैं, माइनस पाई, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स, यानी कि यहाँ पे जो भी थीटा होगा उसको सिर्फ थीटा नहीं, माइनस पाई प्लस थीटा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स करके रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे यदि बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, हाँ ना, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है सर, डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो थीटा लिया जाता है वो डायरेक्ट क्या लिया जाता है, माइनस का थीटा लिया जाता है। और यहाँ पे जो थीटा रहता है, नो डाउट समझ में आ गया होगा कि सर ये जो थीटा है ये कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में है, हाँ है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है। माइनस पाई बाय टू हम ऊपर इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया नहीं है, और जीरो हमारा शुरू में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड किया नहीं है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या वैल्यू लेनी होती है, माइनस थीटा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, माइनस का टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसको मैं जरा समराइज कर देता हूँ, सुनिएगा यहाँ पे एक टेबल है आप लोगों के लिए। कैसी टेबल सर, जिस दिन मैंने बोलूँगा सिर्फ एक्स कॉमा वाई, कौन सा एक्स कॉमा वाई, तो समझ गए होगे सर एक्स कॉमा वाई यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो सिर्फ क्या लिख दो, थीटा, और थीटा का मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। क्या इतनी बात क्लियर हुई। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है। जिस दिन मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस एक्स कॉमा वाई, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सर माइनस एक्स कॉमा वाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है।
इस क्वाड्रेंट में हमेशा थीटा नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है, इस क्वाड्रेंट में लिखा जाता है पाई माइनस थीटा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स मोड के अंदर y बाय एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन सा क्वाड्रेंट रहा हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट। जब मैं यहाँ पे बात करूंगा माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, तो अब ऊपर वाली कहानी खत्म, अब कौन सी कहानी चालू हो चुकी है, नीचे वाली कहानी चालू हो चुकी है। तो यदि नीचे वाली कहानी चालू हो चुकी है तो माइनस एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। यदि ऐसा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अब हमें माइनस पाई तक जा रहे थे लेकिन थीटा ने पहले क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इसको लिखने का और क्या तरीका होता है, माइनस पाई और प्लस का टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, परेशान मत ये, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और जैसे ही हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव एक्स लेकिन नेगेटिव वाई। तो यहाँ पे जब ऐसा किया जाता है तो हमें सिर्फ क्या लेना होता है, माइनस का थीटा लेना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक। और हमें पता है थीटा को ही हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन चार क्वाड्रेंट में आने वाले फॉर्मूलों को इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अभी अब हम ये भी समझेंगे कि कैसे, कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, कौन सी लीस्ट वैल्यू कहलाती है, अभी हम इस पर ही बात करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर हुई होगी कि किस क्वाड्रेंट में कैसे काम करना है। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं फटाफट, ठीक, छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूँ। सपोज जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया ये डायग्राम से समझिएगा, कोई पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट है टू, ये पॉइंट क्या है टू, तो बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना, एम्पलीट्यूड बोलो या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ टू क्या होगा, ये जेड नहीं है टू है, है ना, बताइए आर्गुमेंट ऑफ टू क्या होगा। तो अच्छे से पता है सर, पहले तो एक बात बताइए, ये जो टू है ये कौन सी एक्सिस में है, कौन सी एक्सिस में है, रियल एक्सिस में है, इसलिए इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो। जिस दिन मैं बोलूँगा वो टू यहाँ पे है भैया, वो टू यहाँ पे है, तो सर ये कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी, यानी कि ये टू नहीं है, ये एक्चुअली में टू आयोटा है, ये क्या है टू आयोटा। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, अच्छे से पता है ना, टू कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, सर इसके कोऑर्डिनेट को लिखेंगे जीरो कॉमा टू, है ना, बात समझ में आ गई, टू आयोटा यहीं पे आता है, तो ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ एंगल बनने में कितना आर्गूमेंट आया, क्या बता सकते हो कि आर्गूमेंट ऑफ टू आयोटा कितना है। तो आप बोलोगे सर आर्गूमेंट ऑफ टू आयोटा और कुछ नहीं, जीरो से लेके कहाँ तक गया है, पाई बाय टू, यानी कि इसका एंगल कितना आ गया बेटा, पाई बाय टू। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, जीरो से लेके पाई बाय टू कवर किया, तो पाई बाय टू। यदि कल को मैं बोलता यहाँ पे है माइनस टू, यहाँ पे क्या होता है माइनस टू, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर माइनस टू जीरो, यानी कि जीरो आया उठा, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है। यदि ऐसा है तो बताओ यहाँ एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक कवर करने में, तो बताओ कितना एंगल कवर किया है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस टू बेटा आप बोल दोगे कितना, पाई, जीरो से लेके कितना कवर किया उसने, पाई कवर किया। क्या इतनी बात क्लियर हुई, अच्छा ये बात क्लियर है। कल को मान लो मैंने बोला कि वो पॉइंट यहाँ पे है, वो पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस टू होता है, माइनस टू, इसके कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, जीरो कॉमा माइनस टू, है ना, और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो जीरो प्लस माइनस टू आयोटा लगा देंगे साथ में, है ना, ऐसे ही लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको पता है। तो जरा बताना कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, अब कौन से डायरेक्शन में आ चुका है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सर यहाँ पे जीरो होता है लेकिन नीचे जाते समय क्या लेते हैं, माइनस का पाई बाय टू, फिर माइनस का पाई, ये सारे के सारे एंगल क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस टू कितना होगा, माइनस का पाई बाय टू होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, यदि कल को मैंने बोला, ठीक, कल को मैंने बोला कि कोई पॉइंट है यहाँ पे है, कोई पॉइंट मान लो ये टू है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो कितना थ्री, तो ये पॉइंट जाके यहाँ पे मिल रहा होगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, टू कॉमा थ्री। बताओ आर्गुमेंट ऑफ टू कॉमा थ्री, आर्गुमेंट ऑफ टू कॉमा थ्री, तो आर्गुमेंट ऑफ टू कॉमा थ्री आप अच्छे जानते हो ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू प्लस थ्री आयोटा। तो एक्चुअली में हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि बता दीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z कितना है।
तो आप बोलोगे सर इसका आर्ग्यूमेंट क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सिखाया है कि सिर्फ क्या ले लिया जाता है चुच्चा, थीटा ले लिया जाता है। तो यानी कि जो भी एंगल इसका बनेगा, तो इसका एंगल सर कैसे बनेगा आपको पता है, ये आपके लिए एक्स का काम करता है और ये आपके लिए वाई का काम करता है। तो बताइए इसको लिखेंगे हम कितना, थीटा, ये सारी बातें एक ही हैं, ठीक। इसी को मैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल सकता हूँ, ये भी बात क्लियर है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक। इसी को मैं एम्पलीट्यूड ऑफ 2, 3 बोल सकता हूँ। ये सारे नोटेशन एक जैसे हैं, ये सारे के सारे नोटेशन एक जैसे हैं। इनका फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला है टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। क्या मुझे वाई पता, मुझे क्या एक्स पता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, टेन इनवर्स वाई कितना बेटा 3 और एक्स कितना बेटा 2। तो ये मेरे लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। यदि कल को मैं यहीं पे अब बताओ, थोड़ा डायरेक्ट बताइएगा, मान लो यहाँ पे वो पॉइंट ले रहा हूँ, अभी कौन से पॉइंट थे 2, 3, तो यहाँ पे यदि मैं ले रहा हूँ तो -2, 3 है ना, -2, 3, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर जो भी एंगल हम निकालते हैं वो पाई माइनस थीटा करके निकालते हैं, यानी कि इसका एंगल कैसे निकलेगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। बताओ ये एक्स का रोल निभा रहा है और ये वाई का रोल निभा रहा है, तो वाई में यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक्स में कितना आएगा, -2। लेकिन क्योंकि मॉड्यूलस है तो उन नंबरों को मुझे डायरेक्ट कैसे लिखना चाहिए, +3/2। क्या इतनी बात क्लियर हुई, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने आने चाहिए। यदि मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, उसको यहाँ पे ले ले रहा हूँ, मान लीजिए कन्फ्यूज तो नहीं होंगे ना, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन था बेटा हमारा, ठीक, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, और ये कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कोई नंबर, यही वाला नंबर, अब बताइए -2 और -3, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट। और सर थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या बताया है कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट में -π तक जा रहा है, -π और प्लस में क्या लिख दो, थीटा। लेकिन हमें अच्छे से पता है -π प्लस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स। क्या बात याद आ रही है, क्या अच्छे से पता है सर ये एक्स का रोल निभा रहा है और ये वाई का रोल निभा रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा -π प्लस टेन इनवर्स मॉड, मॉड कितना, मॉड के अंदर, क्या दोनों को मैं नेगेटिव लिख दे रहा हूँ अभी, -3/-2, ठीक, सॉरी -2/-3 है ये, -2/-3, तो जो कि मुझे आंसर देगा -π + 10 इनवर्स कितना बेटा एक्स कितना 2 और 3 है, तो पॉजिटिव कर दूंगा दोनों को 2/3। अब वो -π उसे कंट्रोल करेगा, बात समझ में आई, यानी कि अब इनके जो साइन थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन साइन से हमें अब कोई लेना देना नहीं है, ये साइन सिर्फ हम ये बताते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट देखते ही हम +π, -π, -θ इस पे जब आ जाते हैं तो अब उन दोनों नंबरों को पॉजिटिव कर दो, उन दोनों का कोई मतलब नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इस तरीके से काम करना है। एक क्वेश्चन और ले दे रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन, मान लो वो पॉइंट यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट क्या, यही -2, -3 था ना, तो अब 2 पॉजिटिव और -3 नेगेटिव, तो अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने सिखाया है माइनस का थीटा आंसर होता है, यानी कि माइनस का टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई बाय एक्स, जो कि माइनस का टेन इनवर्स मॉड, मॉड के अंदर वाई बाय एक्स, तो ये मेरे लिए एक्स और ये मेरे लिए वाई है, यानी कि माइनस का 3/2, सर पॉजिटिव कर दीजिए अंदर वाई नंबर को, माइनस का टेन इनवर्स 3/2। क्या इतनी बात समझ में आई, यहाँ पे भी सही लिखा है ना, हाँ 2/3, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, इस तरीके से आपको आर्गुमेंट पे बात करनी है, आर्गुमेंट इस तरीके से निकालना है, होप सो इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इतना मान लूँ कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें इस नंबर का आर्गुमेंट निकालना है। तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, कैसे, सबसे पहले ये देखो ये जो लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ, क्या मैं इसको अरेंज कर लूँ, बिल्कुल अरेंज कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव और मतलब इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल पार्ट अलग, 1-√3, ठीक, और ये आयोटा वालों को कॉमन ले लूँ, प्लस आयोटा यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 3+1, है ना, और नीचे चल रहा है पूरे के 2√2। अगले ही पल जैसे ही मैं सॉल्व और करूँगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये आ जाएगा कितना, 1-√3/2, ठीक, और प्लस i टाइम्स
रूट थ्री प्लस वन या वन प्लस रूट थ्री, और नीचे क्या चल रहा है, टू रूट टू, है ना। तो दिख रहा होगा सर, इसको मैंने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, ये मेरे लिए एक्स है और ये मेरे लिए वाई। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी? यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक्स मेरा नेगेटिव है बेटा और वाई मेरा पॉजिटिव है बेटा। सर ये कैसे आपने डिसीजन लिया? अरे खुद ही सोचिए ना, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू। अरे 1 से बड़ी वैल्यू, तो अच्छे से पता है सर कि जब छोटा नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा होता है तो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, नेगेटिव। यानी कि 1 माइनस 2 करूंगा बेटा, यदि 1 माइनस 2 करूंगा तो माइनस 1 आएगा कि नहीं, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल नेगेटिव। तो ऊपर माइनस साइन आ गया तो ये पूरा का पूरा एक्स कैसा हो चुका है, नेगेटिव। और ये तो अलग ही दिख रहा है, हर जगह प्लस का साइन, ये कैसा है, पॉजिटिव। यदि ऐसा है तो बताइए क्वाड्रेंट में एक्स कहाँ नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, यानी कि वो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, माइनस एक्स कॉमा वाई, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट लग गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट लग गया। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। सर सेकंड क्वाड्रेंट लगते ही क्या याद है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट लगते ही आप डायरेक्ट इसको इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, ये पूरा एक्स का रोल निभा रहा है, ये पूरा वाई का रोल, तो सर आप लिखोगे कितना, पाई माइनस का थीटा। क्या लिखोगे, पाई माइनस का थीटा, यानी कि पाई माइनस यहाँ पे लिखोगे टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई का रोल कौन निभा रहा है बेटा, ये इसको लिखेंगे रूट थ्री प्लस वन अपॉन में टू रूट टू, और नीचे एक्स का रोल वन माइनस रूट थ्री अपॉन में बेटा कितना, टू रूट टू। क्या इतना दिखाई दिया, टू रूट टू से टू रूट टू कैंसिल, तो मेरे पास जो बचा वो बचा पाई माइनस टेन इनवर्स, अंदर बचा कितना, रूट थ्री प्लस वन अपॉन में वन माइनस का रूट थ्री, है ना। अब इसके आगे क्या किया जा सकता है, क्या हमने रैशनलाइजेशन करना सीखा, बिल्कुल सीखा। तो देखिए पाई माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस वन अपॉन में वन माइनस रूट थ्री, अच्छे से पता है सर यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट थ्री, है ना। यदि ऐसा है तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मुझे देगा पाई माइनस टेन इनवर्स, बताइएगा कितना हो जाएगा, ये रूट थ्री प्लस वन या वन प्लस रूट थ्री दोनों एक ही बात है, यानी कि ये लिखा हुआ है कितना बेटा, वन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, वन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कितना, वन है ना, वन का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री, ये आएगा कुछ इस तरीके से। जब मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो ये मुझे पाई चल ही रहा है ना, पाई माइनस टेन इनवर्स, बताइएगा वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, तो सर ये वन प्लस थ्री और क्योंकि प्लस का होल स्क्वायर तो प्लस का टू रूट थ्री, और नीचे क्या मेरे पास माइनस टू आ चुका है, हाँ ना, कुछ इस तरीके से देखा जाए तो पाई माइनस टेन इनवर्स ये हो गया मेरे पास फोर प्लस टू रूट थ्री और अपॉन में माइनस टू है, उसको मैं सिर्फ टू कर दूं क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक। यदि ऐसा है तो पाई माइनस टेन इनवर्स, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें से पूरे में से टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा सिर्फ कितना, टू प्लस रूट थ्री। अब बताइए टू प्लस रूट थ्री को क्या करें, यहाँ पे तो बात अटक गई। सर टू प्लस रूट थ्री को आपने इलेवेंथ क्लास में सॉल्व करना सीखा है, देखिए सर कैसे बताते हैं। यदि मैं कल को आपसे बोलूँ कि मुझे टेन सेवेंटी फाइव की वैल्यू बता दीजिए, एक बात कह रहा हूँ, टेन सेवेंटी फाइव की वैल्यू बता दीजिए, तो क्या हमने नहीं सीखा है कि इसको सर आप 10 30 प्लस 10 45 लिख सकते हो। सर क्या कर रहे हो आप, देखो देखो बताता हूँ, 30 प्लस 45 है ना, अरे 75 75 का मतलब 30 प्लस 45 ही तो होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा तो क्या ये 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए कितना, 10 ए यानी कि 10 30 प्लस 10 45 अपॉन में 1 माइनस 10 30 और 10 45। यदि ऐसा तो वैल्यू रख देते हैं, 10 30 कितना बेटा, 1 बाय रूट 3 प्लस 1 होता है 10 45 1, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट 3 इंटू में कितना 1, एलसीएम लूंगा तो ये मेरे को कितना दे देगा, 1 प्लस कितना बेटा, रूट 3, 1 प्लस रूट 3 और पूरे के अपॉन में रूट 3। सेम वे में यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में कितना, रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1 प्लस रूट 3 और यहाँ पे बचेगा रूट 3 माइनस 1, है ना। रूट 3 माइनस 1 है तो क्या मैं रैशनलाइज कर दूँ, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, है ना। यदि ऐसा है तो हमें अच्छे से पता है कैसे होगा, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस कितना हो जाएगा, टू रूट
3। नीचे बात करें तो ये हो जाएगा सर 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो क्या अच्छे से पता है सर, ऊपर आ गया है 4 प्लस 2 रूट 3 और अपॉन में कितना आ गया 2, ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा कितना 2 प्लस रूट 3 है ना। और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 1075, किसकी वैल्यू है 1075, यानी कि बेटा ये लिखा हुआ है पाई माइनस 10 इनवर्स 1075। लेकिन कभी भी इस तरीके से लिखा नहीं जाता, ये डिग्री में लिखा है और हम जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो कौन से मेजरमेंट में रहते हैं, रेडियन मेजरमेंट में। कौन से मेजरमेंट में, रेडियन मेजरमेंट में। क्या हमें पता है कि 1075 का मतलब होता है 10 इनवर्स 10 5 पाई बाय 12। सर ये कैसी बात कर रहे हो, अरे देखो ना सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ले रहा हूँ भैया 5 पाई बाय 12, अच्छे से पता है ये 5 इंटू 180 बाय 12, देख लीजिए आपको कितना दे रहा है 75 दे रहा है, ये कितना दे रहा है आपको 75 दे रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, यदि इतनी बात क्लियर हुई तो 10 इनवर्स से 10 जाएगा उसके, क्योंकि रेंज में वैल्यू आती है, तो पाई माइनस कितना 5 पाई बाय 12, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा कितना 12 पाई माइनस का 5 पाई और पूरे में कितना 12। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो समझ गया हो कि 12 में से गए कितने 5, तो हो जाएगा 7 पाई बाय 12, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ये मैंने क्या निकाल दिया बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन जेड। यदि कुछ देर के लिए मैं इसको क्या मान लूँ ये जेड है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आया है 7 पाई बाय 12 आया है। तो एक क्वेश्चन के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको ज़रूरत थी, होप सो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, है ना, उम्मीदें करता हूँ। और कृपया 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आनी चाहिए, है ना, 11th 12th की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। याद रखिएगा 10 इनवर्स 10 ये कैंसिल नहीं होते हैं, ये कैंसिल नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि जब ये ऐसा लिखा होता है 10 इनवर्स 10 बराबर एक्स, तो ये मुझे एक्स तभी देता है जब एक्स इस 10 इनवर्स की रेंज में, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे आ रहा होता है, तब ये वैल्यू देता है। बात समझ में आई, इस तरीके से हमें बात करनी होती है, ठीक। अच्छा एक टॉपिक अभी रह गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक, और जनरल वैल्यू क्या होती है, उस पर भी हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम वहीं से शुरू करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म करते हैं।